और चलिए अब आपको सुनवाते हैं सौरभ भारद्वाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उस केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा है। सीधे तौर पे देश के गृह मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं और आज दिल्ली गैंगस्टर्स और गैंगवॉर्स और बड़े बड़े गैंगलॉर्ड्स का के नाम से जाना जा रहा है। हम लोग फिल्मों में सुनते थे इस तरह से कि बॉम्बे के अंदर जब बड़े बड़े गैंगस्टर्स एक्टिव थे तो बिजनेसमैन से फिरौती के पैसे मांगे जाते थे, प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती थी, 100 लोगों से मांगे जाते थे, 99 दे देते थे डर के, कोई एक नहीं देता था और जो एक नहीं देता था उसके यहां गोलियां चलाई जाती थी ताकि उसको डरा के उससे पैसे लिए जाएं। कल 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं जो सीधे तौर पे, बाकी क्राइम को तो छोड़ दें आप, रेप, मर्डर, डकैती, रॉबरी, किडनैपिंग, ये सब तो छोड़ दीजिए, सिर्फ एक्सटॉर्शन रंगदारी के नाम पे दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3 घटनाएं सामने आई हैं। और ये रंगदारी की घटनाएं नहीं है, माफ कीजिएगा साथियों, रंगदारी तो पता नहीं सैकड़ों लोगों से कल के 24 घंटे में मांगी गई होगी। ये वो 3 घटनाएं हैं जहां पे रंगदारी देने से मना करने वाले लोगों के यहां गोलियां चलाई गई हैं। ये उनके नाम नहीं बता रहा मैं आपको जिन्होंने रंगदारी चुपचाप दे दी डर से, ऐसे भी हजारों हैं दिल्ली के अंदर। कल की 3 घटनाएं मैं आपको बता दूं। शुक्रवार शाम 7:15 तो बिल्कुल एक एक्टिव टाइम है जब आम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। शाम 7:00 नारायणा रिंग रोड के एक गाड़ियों के शोरूम के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। ये भी बताया जाता है कि शोरूम मालिक से पहले से ही एक गैंगस्टर की तरफ से धमकियां मिल रही थी और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, 5 करोड़ रुपए की रंगदारी इनसे मांगी गई थी और हिमांशु भाऊ नाम के गैंगस्टर की तरफ से के नाम से इनको धमकियां मिल रही थी, इन्होंने पैसा नहीं दिया और इनके शोरूम के बाहर, शोरूम के अंदर घुस के ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। शुक्रवार को ही देर रात 2:45 पे महिपालपुर के एक होटेलियर से गोल्डी बरार नाम के गैंगस्टर रंगदारी मांग रहे थे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। गोल्डी बरार के नाम से इनसे रंगदारी मांगी जा रही थी महिपालपुर के होटेलियर, इन्होंने रंगदारी नहीं दी तो इनके यहां सुबह यानी कि देर रात कह सकते हैं आप, देर रात 2:45 अपराधियों ने घुस के गोलियां चलाई और गोलियां चला के निकल गए। तीसरी घटना कल सुबह 9:30 की है, 9:32 नांगलोई के अंदर एक मशहूर हलवाई की दुकान है रोशन हलवाई, उनके यहां भी इसी तरीके से नकाबपोश बदमाश आए और उन्होंने गोलीबारी की और गोलियां चलाने के बाद दीपक बॉक्सर गैंगस्टर के नाम की और 2 और गैंगस्टरों के नाम की पर्चियां छोड़ के चले गए। तो ये खुल्लम खुल्ला गैंगस्टरों के हाथ में आज दिल्ली पहुंच गई है। उसके अलावा कल ही गुलाबी बाग के अंदर 4 किलो 400 ग्राम सोना लूट लिया गया जो करीब 4.25 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। 4 किलो 400 ग्राम सोने की लूट की गई, ये भी दिन दहाड़े हुई है।
उससे पहले मैं आपको बता दूं, कूचा महाजनी के अंदर करीब 7 किलो सोने की लूट हुई थी, जो कि करीब 5.5 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, 7.5 किलो सोने की लूट। ये मैं आपके पिछले चंद दिनों की बात कर रहा हूं, एक हफ्ता पुरानी बात मैं अगर आपको बताऊं, ग्रेटर कैलाश पार्ट वन की एम ब्लॉक मार्केट, जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है, उस एम ब्लॉक मार्केट के निकट एक जिम के मालिक को गोली मार के हत्या कर दी गई। ये भी खुल्लम खुल्ला हुआ है। दिल्ली के अंदर इस तरीके की बदतर कानून व्यवस्था कभी भी नहीं थी। आज अगर आप किसी भी बिजनेसमैन की पार्टी में चले जाएं, जहां पे कुछ व्यापारी लोग हों, 100 लोगों से बात कीजिए, 80 लोगों ने दिल्ली में रंगदारी दी है। ये मैं आपको तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। आप किसी भी व्यापारियों की मीटिंग में चले जाइए, 100 लोग होंगे तो 80 लोग दिल्ली में आज रंगदारी दे रहे हैं। दिल्ली की ये हालत हो गई है, लोग गैंगस्टर का नाम लेने से डर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कौन सा गैंग था, वो नाम ही नहीं ले पाएगा, वो इतना डरा हुआ है। ये जो नाम मैंने आपको बताए, गोल्डी ब्रार, दीपक बॉक्सर, इन लोगों के नाम लेने से लोग कांप रहे हैं। इनके नाम से लोगों को कॉल आ रही है, इंटरनेशनल कॉल, कभी पाकिस्तान का नंबर बताया जाता है, कभी दुबई का नंबर बताया जाता है, कभी यूएस का नंबर बताया जाता है, इंटरनेशनल कॉल आती है, कॉल पे धमकी दी जाती है और बताया जाता है इतना पैसा दे दो वरना मार देंगे, और व्यापारी चुपचाप ये पैसा इन गैंगस्टरों के हवाले कर रहे हैं। ये हालत दिल्ली के अंदर है, इतना डर आज दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। और जो लोग रंगदारी नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, डराया जा रहा है, और तब भी नहीं मान रहे तो हत्याएं की जा रही हैं। एलजी साहब, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के विषय में रोज टिप्पणी करते हैं, ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, इसको ऐसे करना चाहिए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के जहां काम होंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे विधायक है सुरेंद्र कुमार जी, उनके यहां कोई काम होना था, फ्लड इरिगेशन को काम करना था, सड़क बनाने का, उन्होंने उद्घाटन कर दिया। अगले दिन एलजी साहब पहुंच गए सारे अफसरों के साथ अखबार में फोटो छपवाने के लिए कि यहां काम नहीं हो रहा, मैं काम कराऊंगा। जो काम फ्लड इरिगेशन का है, पीडब्ल्यूडी का है, उसके अंदर एलजी साहब दखल दे रहे हैं कि वो मैं कराऊंगा, जबकि वो काम उनका नहीं है। और जो काम एलजी का है, लॉ एंड ऑर्डर देखना, पुलिस व्यवस्था देखना, उसकी हालत आज दिल्ली की सबसे बदतर हो गई है, उसके अंदर एलजी साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं है। 209 थाने हैं दिल्ली के अंदर, जाना चाहिए एलजी साहब को रोज एक थाने पे, क्यों नहीं जा रहे हैं? पीडब्ल्यूडी का काम होगा, वहां एलजी साहब दिल्ली सरकार के अफसरों को लेके जाते हैं। एमसीडी का काम होगा, वहां एलजी साहब दिल्ली सरकार के एमसीडी के कमिश्नर को लेके जाएंगे, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को लेके जाएंगे, सीईओ जल बोर्ड को लेके जाएंगे, फ्लड कंट्रोल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेके जाएंगे, वहां टिप्पणियां करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, कहेंगे मैंने आदेश दिया तो एक काम हो गया, जबकि काम दिल्ली सरकार के हो रहे हैं। जहां एलजी साहब का खुद का काम है पुलिस का, वहां पे एलजी साहब आज तक एक थाने में नहीं गए, कहीं एक थाने में निरीक्षण करने गए हो? आप मीडिया वाले साथी मुझे बताएं, दिल्ली के अंदर 209 थाने हैं, कितने थानों में एलजी साहब निरीक्षण करने गए हैं? उन्हें जाना चाहिए। नारायणा के अंदर शोरूम के ऊपर गोलियां चली, एलजी साहब कब जाएंगे, मैं जानना चाहता हूं उनसे। नांगलोई के अंदर गोलियां चली, एलजी साहब कब जाएंगे? यहां गुलाबी बाग के अंदर जिस व्यापारी की 4.25 करोड़ रुपए की लूट हो गई, उसके एलजी साहब कब जाएंगे? महिपालपुर के अंदर गोल्डी ब्रार 5 करोड़ रुपए मांग रहा है, 3:45 बजे उसके यहां फायरिंग हो रही है, वहां कब जाएंगे एलजी साहब? एलजी साहब को जाना चाहिए इन जगहों पे, अपने साथ पुलिस कमिश्नर को लेके जाएं।
होम मिनिस्टर साहब को बुलाएं, अमित शाह जी को, उनको लेके जाएं, अपने काम की इंस्पेक्शन करें। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके का दहशत का माहौल है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं ऐसा दहशत का माहौल दिल्ली में कभी भी नहीं था। देखिए दिल्ली के अंदर 50,000 नई पुलिस की पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत है, 50,000 नई। कैग की रिपोर्ट के अंदर भी बात आई है कि दिल्ली के अंदर एक तो जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो भी पूरी नहीं है पुलिस की। आप थानों में जाइए, 30-40% थानों के अंदर जो पोस्ट हैं कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की, एएसआई की, वो खाली हैं। बीट कांस्टेबल ही नहीं है तो बीट पे कौन जाएगा, गश्त कौन करेगा। थानों के अंदर रिक्तियां हैं और जितनी सेंक्शन पोस्ट हैं उसके अलावा 50,000 और सेंक्शन पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत है, ये कैग की रिपोर्ट कहती है। ऐसे में न्याय व्यवस्था का यही हाल होना है, कानून व्यवस्था का यही हाल होना है, क्योंकि इस तरफ ध्यान नहीं है। एलजी साहब का ध्यान पिछले 2 सालों से सिर्फ इस पे है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम किस तरह से रोके जाए, अपना काम किया जाए, इसकी प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई ध्यान नहीं। अरविंद जी ने ये कहा है कि जैसे ही नवरात्र शुरू होंगे वो लोग अपने सरकारी आवास को छोड़ के नई जगह पे शिफ्ट होंगे। कई हमारे कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली के लोगों ने अपने अपने घरों का ऑफर अरविंद जी को दिया है, कई जगह वो देख के भी आए हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ही एक घर को का चुनाव वो कर लेंगे वो वहाँ शिफ्ट होंगे। कई जगह नई दिल्ली इलाके में देखा है, सिविल लाइंस के पास भी देखा है, कई जगह देखा है। दिल्ली के अंदर बरसातों में, क्योंकि इस बार बहुत लंबी बरसातें हुई तो कई जगह सड़कें जो हैं क्षतिग्रस्त हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों चाहे वो एमसीडी की सड़कें हों। अब उन पे युद्ध स्तर पे काम करने की आवश्यकता है, इसके लिए आज ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग रखी गई। तो देखिए दिल्ली में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है।